हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यहाँ पे जो मेरे पास है एक कूलर का वाटर पंपिंग मशीन है, ये खराब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करना है वही मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले इसको खोलता हूँ। खोलने से यहाँ पे पीछे वाला पार्ट है और सामने एक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मेन पोर्शन सामने, इसका सामने ही है, तो मैंने इसको खोल दिया। और गाइस, इसको खराब होने का दो ही रीजन होता है। एक होता है इसके अंदर जो कॉयल होता है वो कभी कभी जल जाता है, इसके लिए टोटली खराब हो जाता है। और दूसरा कारण होता है यहाँ पे जो घूमने का पोर्शन है ये कभी कभी अटक जाता है, तो इसलिए ये घूम नहीं पाता है। तो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था, ये जो सामने वाला पोर्शन था ये अटक चुका था, इसलिए घूम नहीं पा रहा था। तो मैंने इसको खोला, खोल के देखा, जो वाटर के अंदर जो मिनरल्स होता है वो सूखने से यहाँ पे देखिए व्हाइट व्हाइट सा इसके ऊपर जम जाता है। तो यहाँ पे पूरा इसके ऊपर जम चुका था इधर से, इसलिए ये घूम नहीं पा रहा था अच्छी तरीके से। तो मैंने इसका साफ किया, देन इसको लगाया, तो ये फिर से चलने लगा। तो कभी भी कॉयल खराब हो जाए तो ओ आपको इसको चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉयल एक बार खराब हो जाए तो आप इसको खोल के ठीक नहीं कर पाओगे। आप इसको खोलोगे तो खोल नहीं पाओगे, क्योंकि ये टोटली सील रहता है, इसके अंदर पानी ना जाए, इसलिए पानी जाएगा तो जो कूलर सिस्टम है वो टोटली करंट हो जाएगा, ऐसा होता है। और ये कैसे काम करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसके अंदर जो कॉयल है, जब इसके अंदर करंट जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, और यहाँ पर जो पोर्शन देख पा रहे हो ये टोटली मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और इस मैग्नेट को रोटेट करता है, और इसमें अच्छा खासा प्रेशर होता है पानी का। मैं इसको घुमा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको इसके अंदर रखा और मैं और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये जो पंपिंग मशीन है ये चलाने के टाइम बहुत गर्म होता है। आप इसको टेस्ट करने के लिए 10 से 15 सेकंड बाहर चला सकते हो, लेकिन बहुत देर तक, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट तक चलाने के लिए आप इसको पानी में डुबो के ही चलाना, तो ये जो मशीन है ये अच्छा रहेगा, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये घूम रहा है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखिए ये घूम रहा है। तो मैंने जब इसको टोटली साफ किया था, देन इसको लगाया था, तो कुछ कुछ टाइम चल रहा था, फिर से अटक जा रहा था। तब मैंने देखा इसके अंदर एक यहाँ पे एक रबर था, उस रबर की वजह से इसके अंदर बहुत ही ये अटक जा रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको लगाने के टाइम यहाँ पे जो रबर था इसको मैंने खोल दिया, और देन इसको लगाया तो ये टोटली वर्क करने लगा था। तो आप देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है जो वाटर सूखने से जो डस्ट होता है ना, देखिए ये सब कुछ इसके अंदर टोटली भरा हुआ था, इसलिए चल नहीं रहा था। और अब गाइस, मैं आप लोगों को इसको पानी में अंदर डाल के ये कैसे काम करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, कितना प्रेशर से पानी को ऊपर फेंकता है वो मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इसको तो अटका दूं, लगा दूं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो जो पंपर था वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए पानी को ये कितना ऊपर तक फेंक रहा है। तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, जब ये स्टार्ट होने वाला था तो अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ रहा है, देन जाके ये जो पंपर है ये स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए पानी को कितना ऊपर तक फेंक रहा है। तो गाइस, आप लोगों को ये जो पंपर है, आप लोगों को चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको परचेस कर पाओगे। देखिए पानी को बहुत अच्छी तरीके से ऊपर फेंक रहा है। और आई होप गाइस, इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी हेल्प मिला हो, इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी हेल्प मिला हो तो मीन्स मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।